गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। लास्ट ब्लॉग हमने यहीं पे एंड किया था और इसी जगह से हमने दूसरा ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ से आपको जयपुर का सैर करवाने वाला हूँ और यहाँ से नारायण सिंह सर्किल तक हम जाएंगे। बहुत ही शानदार वीडियो होगा, आप वीडियो पूरा देखें और अपना कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल म्यूजियम जयपुर, ये इसका व्यू, इधर इसका टिकट घर और ये यहाँ का सामने का व्यू, पूरा सेल्फी पॉइंट, कबूतरों को दाना डालने की जगह और ये पूरा शानदार सामने का व्यू, ये देख लें आप। चलिए और आगे चलते हैं, इस साइड में हम निकलते हैं आगे। चिड़ियाघर, ये यहाँ चिड़ियाघर का गेट है और यहाँ टिकट घर है, सामने टिकट लोग ले रहे हैं। और ये यहाँ का बाहर का व्यू है, आप देखें तो इधर ये साइड में पार्क बना हुआ है और ये इधर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, बिल्कुल म्यूजियम के ये साथ ही चिड़ियाघर का भी गेट। आइए और आगे चलते हैं। पानी पतासी, दही पतासी, सेव पूरी, ये यही इसी के पास। आइए और आगे चलते हैं। जल जीरा, नींबू पानी, पुदीना, ये भी यहाँ पे पास में ही है। ये भैया बेच रहे हैं, कितने गिलास देते हो? 20 रुपए का, ये 20 का गिलास। शिकंजी भी, जल जीरा भी और सोडा 30 का, सब है, है? वाह, सब है। ये हसमुख चेहरा है भाई का और ये अल्बर्ट हॉल के बिल्कुल पास में ही खड़ा होता है। आइए आगे चलें। ये कबूतरों को दाना डालने की जगह और ये यहाँ का पूरा व्यू और ये कबूतरों के लिए पानी भी रखा है और ये हरियाली देखिए आप यहाँ की। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जयपुर में हरियाली बहुत है। और ये अल्बर्ट हॉल का साइड का पार्किंग, साइड का इधर पार्किंग है, ये अंदर आप देखेंगे ये गाड़ियों की पार्किंग, यहाँ पर गाड़ी आप अंदर खड़ा कर सकते हैं। और ये घोड़ा गाड़ी, जो पहले घोड़ा गाड़ी जयपुर में चलती थी, अभी बहुत कम है। आइए और आगे चलते हैं। ये बस से आप जयपुर घूम सकते हो, ऊपर से ओपन है। महारोली का ये बस है, इसमें पूरा जयपुर का टूर कर सकते हैं। जयपुर साइट सीइंग एसी कोच, एसी है इसमें, एसी है भैया, एसी नॉन एसी दोनों ही बसें आपको मिल जाती हैं। और ये आपको राज मंदिर, स्टेचू सर्किल, बिरला मंदिर, अल्बर्ट हॉल, पिंक सिटी के अंदर का एरिया, हवा महल, सिटी प्लेस, जंतर मंतर, वैक्स म्यूजियम, जल महल और आमेर फोर्ट, आरटीडीसी, यहाँ तक ये सब जगह आपको घुमाती है। पूरे दिन का टूर, सुबह से लेकर के और शाम तक, सुबह 8:30 से और 6 बजे तक। और इसमें 250 रुपये अभी एक किराया इसका बता रहे हैं, तो भैया सामने तो नहीं आए लेकिन बताया अभी, तो आप इसको टूर भी कर सकते हैं। आइए और आगे चलते हैं। और ये भैया यहाँ पर चना मसाला, चना जोर गरम है ना, चना जोर गरम, बेल फ्री है, नमकीन मिक्स है, पॉपकॉर्न है, सब कुछ आपके पास, ये सब कुछ है, ऑल इन वन ये है देखिए। और यहाँ देखिए कितना मिला के कितना अच्छा सा इन्होंने इसको सजा दिया है, ये प्याज भी कटा हुआ है। तो ये भी आप
ट्राई कर सकते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। ये तांगा और घोड़ी ये भी आपको यहाँ मिल जाता है। तांगे पे ये भैया घुमा देते हैं। कितना लेते हो? 100 रुपया। कहाँ? एक राउंड यहीं का लगा दिया, यहीं का एक राउंड लगाते हैं। पहले तो तांगा यहाँ जयपुर में चलता था जब ये रिक्शा वगैरह नहीं थे, लेकिन अभी तांगा तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी ये ऐसे भैया जो हैं जिन्होंने बचा के रखा हुआ है। और ये आपको अल्बर्ट हॉल के बाहर ही, ये देखिए सामने का साइड में ये यहाँ पर खड़े होते हैं और आपको घुमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, चलो और आगे चलते हैं। आगे निकलते दिए महाराणा प्रताप का स्टैचू है यहाँ पर, और हमें इस स्टैचू से इधर निकलना है लेफ्ट साइड में। सीधा चलते हैं तो सीधा न्यू गेट और MI रोड आता है, लेकिन हमें इधर लेफ्ट में निकलना है। आइए चलते हैं आगे। ये लेफ्ट में आते ही शानदार पार्क यहाँ पे, बड़ा हरियाली बहुत सारी, और ये मेन रोड, और इधर भी है पूरा हरियाली। आइए और आगे बढ़ते हैं। ये इधर फुटबॉल का ग्राउंड है सामने आप देखेंगे, और इस साइड में ये पार्क है, पार्क का गेट है, बड़ा पार्क है। आइए और इधर आगे बढ़ते हैं। आगे ये गेट आ जाता है, और इस गेट से हमें बाहर निकल कर सामने का जो रोड है वहाँ से लेफ्ट में घूमना है, और सामने SMS हॉस्पिटल का रास्ता है। आइए आगे चलते। जेलन मार्ग, महाराजा महाविद्यालय, एयरपोर्ट, SMS हॉस्पिटल, अजमेर रोड, सिविल लाइन का ये पूरा रास्ता। आइए और आगे बढ़ते। इसी रोड पे ये लेडीज क्लब 1928 से बना हुआ लेडीज क्लब इसी रोड के ऊपर, और ये सामने का व्यू, और इधर ये राइट जाने के लिए सिग्नल भी है। आइए और आगे चलते हैं। इसी रोड पे ये है महाराजा कॉलेज, ये इसका कैंपस अंदर का, और ये सामने का व्यू जिस रोड पे हम चल रहे हैं आगे। और यदि आप इस साइड में देखेंगे रोड की दूसरी तरफ तो है महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज, और सामने महारानी कॉलेज इसी रोड के ऊपर। ये पूरा शानदार व्यू। आइए और आगे चलते हैं। महाराजा कॉलेज से आगे आते ही ये सिग्नल आ जाता है, इसी के पास में गोखले हॉस्टल भी है। और आगे बढ़ते हैं। सिग्नल से आगे निकलते ही ये हॉस्पिटल का एरिया आ जाता है, ये सामने ट्रॉमा सेंटर और इंस्टीट्यूट ऑर्थोपेडिक्स SMS हॉस्पिटल के ही यहाँ पर डिपार्टमेंट है, और ये साइड में SMS हॉस्पिटल है। आइए आगे से देखते हैं। ये SMS हॉस्पिटल का 3 नंबर गेट है, स्वाई मान सिंह अस्पताल, और ये अंदर से व्यू आपको दिख रहा है, और ये सामने का व्यू देखेंगे तो बहुत सारी दवाइयों की दुकानें हैं, और सामने धर्मशाला भी है, मोदी धर्मशाला। जो भी हॉस्पिटल में बीमार होते हैं उनके साथ जो अटेंडेंट आते हैं, जो उनके रिश्तेदार आते हैं, उनके लिए ये धर्मशालाएँ काम करती हैं जो आसपास ही हैं हॉस्पिटल के। और ये यहाँ का पूरा व्यू। और आगे चलते हैं। ये SMS का गेट नंबर 2, और ये सामने का व्यू। आइए आगे बढ़ते हैं। ये SMS का गेट नंबर 1 है जो तकरीबन बंद ही रहता है, क्योंकि ज़्यादा 2 नंबर और 3 नंबर गेट ये काम में दिए जाते हैं। और ये सामने का सांगानेर, रामबाग, और कोटा टोंग, एयरपोर्ट, स्टेचू सर्कल, सचिवालय, ये सब जाने का रास्ता आगे। और ये यहाँ का व्यू। आइए और आगे चलते हैं। ये सामने सिग्नल तक हॉस्पिटल का ही इलाका है,
और ये सब यहाँ पर दवाई वगैरह की दुकानें। और आगे चलते हैं, और ये आगे सिग्नल से निकलते ही बड़े टावर देखने को मिल जाते हैं इसी रोड के ऊपर। और आगे चलते हैं, दिल्ली आगरा राजा पार्क दुर्गापुरा प्रताप नगर सिविल लाइन और SMS स्टेडियम को जाने वाले रास्ते इसी रोड पे हैं। और ये यहाँ पर बसें खड़ी हैं, आगे बस का स्टॉप है जहाँ तक हमें चलना है। और आइए आगे चलते हैं, इसी रोड पे ये बस स्टॉप है जो बसें खड़ी हैं यहाँ पर नारायण सिंह सर के। आगे से दिखाता हूँ, आगे चलते हैं। बस स्टॉप जहाँ से दिल्ली और आगरा की तरफ बसें निकलती हैं जो सिंध कैंप से आती है, फिर अगला ये स्टॉप है नारायण सिंह सर्किल जहाँ पे बसें रुकती हैं। ये पूरी बसें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये पूरी एसी और नॉन एसी बसें जो दिल्ली आगे चंडीगढ़ शिमला या इधर आगरा साइड में लखनऊ साइड में जो निकलती हैं उनका स्टॉप है, मेन स्टॉप सिंधी कैंप है। और उसके बाद वहाँ से चल के यहाँ रुकती हैं। तो दोस्तों, हमने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए।